नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो साल 2000 नवंबर का महीना 3 नए राज्यों के लिए लंबे संघर्ष के बाद सुखद परिणाम वाला था, जो देश के नक्शे पर नए राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने जा रहे थे। ये 3 राज्य थे उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। लेकिन राजनीतिक लिहाज से देखें तो इन 3 में से 2 राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति ने कभी खत्म होने का नाम नहीं लिया, खासकर उत्तराखंड, जहां एक बार फिर राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। और वजह वही पुरानी, सीएम की कुर्सी में एक बार फिर से बदलाव। राज्य को 4 महीने के अंदर एक और नया सीएम मिलने, आपको बता दें कि मिल गया है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद राज्य में नए सीएम की ताजपोशी हो गई है। यहां इतनी जल्दी मौसम नहीं बदलता जितनी जल्दी सीएम बदल जाते हैं। अस्तित्व में आने के 20 साल और करीब 8 महीने के अंदर यानी 21वें साल में उत्तराखंड अपना 11वां मुख्यमंत्री देख चुका है। तो नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया, जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत करीब 4 साल तक सीएम रहे। राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद उत्तराखंड ने अब तक कुल 12 बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह देखा है, जबकि इस दौरान इस राज्य ने 2 बार राष्ट्रपति शासन का भी सामना किया। तो तीरथ सिंह रावत ने कुर्सी छोड़े जाने के पीछे बीजेपी के खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी के हाथ राज्य की कमान सौंपी है। लेकिन ऐसे में जब विधानसभा चुनाव में 7 से 8 महीने का समय रह गया है तो बड़े सवाल उठ रहे हैं कि कुर्सी का खेल उत्तराखंड में सीएम क्यों फेल, किसकी गलती, उत्तराखंड में नहीं टिकती कुर्सी, उत्तराखंड में सीएम क्यों बदलते हैं बारी बारी। ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड में सीएम आखिर क्यों बार बार बदले जाते हैं, क्या धामी पर आकर कुर्सी की खोज अब खत्म होगी, क्या 2022 में धामी होंगे बीजेपी का दांव, कुर्सी का खेल उत्तराखंड में सीएम क्यों फेल, तो इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको सुनाते हैं कि सीएम बनाए गए पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है, मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृहमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। तो उत्तराखंड को अपना नया सीएम मिल गया है, इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज गैरोला जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से नए सीएम का ऐलान यहां पर कर दिया गया है, शपथ भी वो ग्रहण करने वाले हैं, पुष्कर सिंह धामी का नाम यहां पर सीएम के लिए चुना गया है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, पूरी स्थिति की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, एक बार आपसे जानना चाहेंगे। कयास शुरू हुआ था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का, उस पर विराम लग गया है। भाजपा के आलाकमान ने भाजपा के विधायक दल की बैठक में ये निश्चित हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी अगले मुख्यमंत्री हैं। अभी वो राजभवन गए हैं, राजभवन में वो राज्यपाल से मिल रहे हैं, अपने समर्थन पत्र जो विधायकों का वो वहां पर सौंपेंगे। ये माना जा रहा है कि कल पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो ये फिलहाल अभी की अपडेट है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक युवा को मौका दिया है। अगर कहा जाए तो सबसे युवा मुख्यमंत्री अब तक के पुष्कर सिंह धामी होंगे। एमपी से जुड़े रहे, छात्र संघ से वो जुड़े रहे, दूसरी बार वो विधायक हैं, संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है, तो कहीं ना कहीं उसका उनका एक रिजल्ट जो पुष्कर सिंह धामी को मिला है। एक संदेश भी यहाँ से भाजपा ने दिया है कि युवाओं को भी हम अब आगे मौका देंगे, और इस तरीके से एक राजनीति जो कयासबाजी लग रही थी उस पर विराम लगाते हैं। कहीं ना कहीं जो समीकरण साहिल उत्तराखंड के होते हैं, जैसे गढ़वाल कुमाऊं के समीकरण, उस पर भी विराम लगाते हुए भाजपा ने इस बार कुमाऊं से मुख्यमंत्री बनाया है। और लगातार साहिल देखा जा रहा था जो सोशल मीडिया में, फेसबुक ट्रेंड कर रहा था कि इस बार जो भाजपा मुख्यमंत्री बनाए वो कुमाऊं से बनाए,
पिछले दो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से बनाए हैं, और इसलिए कोई ना कोई कुमाऊं से मुख्यमंत्री बना जाए। तमाम नेताओं के नाम यहाँ पे चर्चाओं में थे, सतपाल महाराज का नाम चर्चाओं में था, धन सिंह रावत का नाम चर्चाओं में था, बिशन सिंह चुखाल का नाम कुमाऊं से चर्चाओं में था, बंशीधर भगत का नाम चर्चाओं में था, लेकिन भाजपा को पहले सोचा नहीं जा रहा था, उस नाम पे मोहर लगाई है। साथ ही एक बीच में एक ये भी कयास लगाए गए कि शायद उत्तराखंड में एक नया पहली बार कोई उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो भी नहीं हुआ, और उस नाम उस उप मुख्यमंत्री में भी हरीश धामी का नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन सब कुछ देखते हुए समीकरण को, अगर जातिगत समीकरण देखें उसमें भी खरे उतरते हुए यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। कल उनका शपथ को कल शपथ दिलाते हैं या बाद में शपथ दिलाते हैं, ये धीरे धीरे सामने आएगा। जी पंकज भाई, अगर बात की जाए 11वीं बार मुख्यमंत्री यहां पर बन रहा है उत्तराखंड में, और बीजेपी की अगर हम बात करें तो विपक्ष के सवालों के घेरे में बीजेपी है, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बदलने की राजनीति जो है वो विपक्ष की तरफ से माफ कीजिएगा बीजेपी की तरफ से की जा रही है, और विपक्ष लगातार इस पर हमलावर भी होता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर क्या निकल रहा है? देखिए साहिल, कहीं ना कहीं जो तीसरा मुख्यमंत्री इस बार बदला गया है बीजेपी के द्वारा, उससे एक गलत संदेश भाजपा के ऊपर जा रहा है। अगर हम बात करें जब अंतरिम सरकार 2000 में बनी थी भाजपा की, तो उस तरीके से अब इस बार भी यही देखने को मिला। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया, 4 साल लगभग उनका कार्यकाल रहा, उसके बाद अचानक उनको बदल दिया गया, और फिर 4 महीने के लिए लगभग तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, और अब उनको बदलकर हरीश धामी को बना दिया गया। कहीं ना कहीं एक बैठे बैठाए यहाँ पे विपक्ष को एक मुद्दा मिला, और कहीं ना कहीं ये कहना है विपक्ष का कि जो उत्तराखंड है वो एक प्रयोगशाला बन गई है बीजेपी के लिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाने की प्रयोगशाला, तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज यहाँ पे जा रहा है। अब ये देखना होगा कि हरीश धामी कितना इसमें खरे उतरते हैं, क्या वो पुष्कर सिंह धामी कितना यहाँ पे खरे उतरते हैं, क्योंकि उनके सामने चैलेंज बहुत ज्यादा है। एक तो संगठन को साधने का चैलेंज है, दूसरा जो उनके साथ जो मंत्री हैं सब सीनियर मंत्री, उनसे बड़े एक्सपीरियंस उनसे बड़े हैं, तो क्या उनको साथ पाते हैं, उनके साथ चल पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। साथ ही उनका एक ये भी है कि इस कम समय में वो क्या जनता के बीच में उतर सकते हैं, उनकी आकांक्षाओं में खड़े उतर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो अब ये देखना होगा कि अब वो किस तरीके से आगे अपने काम करते हैं, क्योंकि जो दो मुख्यमंत्री हैं कहीं ना कहीं उनपे ये माना गया है कि वो जनता के सामने खड़े नहीं उतर रहे थे। अब पुष्कर सिंह धामी पे अब ये देखना होगा कि क्या वो करते हैं, क्या उनका अब कैबिनेट रहता है, किस तरीके से वो जनता के बीच में जाते हैं, कितना युवाओं को, क्योंकि युवा है तो कितना युवाओं को अपने साथ जोड़ पाते हैं, ये देखना होगा। जी चलिए पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। संजीव वर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। संजीव जी, जिस तरीके से एक बड़ा फेरबदल यहां पर फिर से नेतृत्व में देखा गया है, नए सीएम यहां पर उत्तराखंड को मिले हैं, इसके पीछे की वजह सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे। हमारे पूर्व में जो दो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने 4 साल लगातार उत्तराखंड की सेवा करी और उत्तराखंड की बहुत सारी ऐसी योजनाओं को उन्होंने लागू किया जिसका पूरा प्रदेश आज लाभ उठा रहा है, उसके बाद माननीय तीरथ सिंह रावत जी आए। दोनों की कार्य क्षमता के ऊपर हम सवाल नहीं उठा सकते, उन्होंने बेहतर काम किया है, और आगे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे वर्तमान में जिनको मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंपा गया है, उनको एक लंबा संगठन का अनुभव है, 2 बार के विधायक रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको बहुत अच्छा संगठन का भी अनुभव है, संगठन को भी साथ लेके चलेंगे, और सरकार उनके नेतृत्व में बेहतर कार्य करेगी, और आने वाले चुनाव में हम 60+ का जो हमारा एक टारगेट है हम उसको अचीव करने में कामयाब होंगे। संजीव जी, लेकिन जब तीरथ सिंह रावत को सीएम की पदवी यहां पर दी गई थी, जब उन्हें सीएम बनाया गया था, तब भी यही बातें निकलकर सामने आ रही थी, तब भी यही कहा गया था कि वो सबको संजो कर रखेंगे, पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं उनको एक धागे में पिरोकर वो आगे चलेंगे, और अब जिस तरीके से एक बार फिर से बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिला है, क्या आपको नहीं लगता कि एक नेगेटिव संदेश यहां पर जनता के सामने जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, नेगेटिव संदेश कोई नहीं है, इस समय एक संवैधानिक संगठन
उत्पन्न होने के चांसेस बन गए थे उत्तराखंड में, खाली उसको ध्यान में रखते हुए सीएम चेंज हुआ है। बाकी हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, सभी संगठन और सरकार का पूरा तारतम्य है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और जो आगे आने वाले चुनाव है उस चुनाव में हम एक बेहतर प्रदर्शन करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है संजीव जी, संवैधानिक तौर पर जिस तरीके से आपने बात कही यहाँ पर, संवैधानिक तौर पर अगर वो सीएम नहीं रह सकते थे, बार बार यही रीजन दिया जा रहा है, तीरथ सिंह रावत की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी उन्होंने यही कहा कि संवैधानिक तौर पर वो सीएम नहीं रह सकते थे, इस वजह से ही उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया आलाकमान की तरफ से? देखिए कोरोना की जो लहर वो अचानक आई है, जिस समय वो सीएम बने थे उस समय कोरोना की जो लहर है इतना विकराल रूप धारण नहीं किए हुए थी, और ये सारी की सारी जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन आई है जो सब कुछ हुआ है वो उसके बाद एक अचानक एक उसको मतलब हम पूर्व से निर्धारित उसको जोड़ के नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो विचार तो यही था कि गंगोत्री की सीट खाली हो रखी थी, वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ने की उसमें थे, लेकिन चुनाव आयोग ने जब बंदिशें लगा दी कि कोरोना काल में कोई उपचुनाव नहीं हो सकता तो इस कारण से ये संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ और जिसकी वजह से ये सारा घटनाक्रम अंजाम दिया गया। चलिए ठीक है संजीव जी, जैसा आप कह रहे हैं हम मान लेते हैं, लेकिन एक चीज और यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, विपक्ष की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की राजनीति यहाँ पर करती है, मुख्यमंत्री बदलने का खेल यहाँ पर खेला जाता है सरकार की तरफ से, और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हुआ है, तो बार बार विपक्ष की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? हाँ देखिए विपक्ष का काम केवल बोलना और केवल बोलना है, केवल आरोप लगाना और केवल आरोप लगाना, काम धाम उनके बस का बिल्कुल ढेला भर नहीं है, और वो केवल आरोप लगाते हैं, आरोप के ही खाते हैं। आप ये देखिए पूरा कोरोना काल निकल गया, पूरे कोरोना काल में आप मेरे को एक सिंगल ऐसा वो बताइए जहां उन्होंने योगदान किया हो समाज में, केवल धरना प्रदर्शन और ये सब कुछ करते रहे और समाज हित में उन्होंने एक सिंगल काम भी किया हो तो आप बताइए। और मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम एक बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इस चीज का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जी। संजीव जी लेकिन सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है, तो ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से फेरबदल यहाँ पर नेतृत्व में किया जा रहा है और एक के बाद एक मुख्यमंत्री यहाँ पर बदले जा रहे हैं उससे विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा यहाँ पर दे दिया है सरकार ने कि विपक्ष आरोप लगाए? कोई मुद्दे वाली कोई बात ही नहीं है। देखिए सब हमारे वरिष्ठ लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके भी कार्यशैली पे कोई सवाल नहीं उठा सकता और वर्तमान की जो कार्यशैली होगी उससे भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं बोलना चाहता हूँ कि हम एक बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आने वाला चुनाव में आप स्वयं देख सकते हैं हम 60+ को अचीव करेंगे। ठीक है संजीव जी, एक आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है तो एक बड़ी चुनौती यहां पर सरकार के लिए आम आदमी पार्टी भी बनती जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उनके झूठ से जी और नित नए झूठ बोलते हैं वो, और मुख्यमंत्री केजरीवाल को विज्ञापन मुख्यमंत्री की संज्ञा दी जाने लगी है। केंद्र सरकार काम करती है और ढोल पीटते हैं केजरीवाल कि मैंने काम किया, श्रेय लेने का काम केजरीवाल करते हैं, और पूरी दिल्ली की जनता भी अब देख चुकी है कि बस ये खाली शोर मचा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और उत्तराखंड की जहां तक बात है, उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है, उनके भ्रम जाल में फंसने वाली नहीं है जी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से
मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है संजीव जी। अजय वर्मा जो कि नेता कांग्रेस हैं वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी आप क्या कहेंगे जिस तरीके से उत्तराखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन यहाँ पर किया गया, कैसे देखते हैं? अजय जी सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज जा रही थी? जी जी अजय जी बोलिए। देखिए जो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के और हाईकमान के पास इनपुट आया जी, इतनी जल्दी ये बहाना है बदलने का, अभी कई महीने तक रह सकते थे। जब इनको इनपुट आ गया तो मुख्यमंत्री के दो तीन बयान, एक तो वो लेडीज के ऊपर फटी जींस वाला था, जी बोलिए, बच्चों वाला बयान। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी बड़ा पद होता है मुख्यमंत्री का संवैधानिक, और इस तरह की चीजों से संघ को भी और बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा था। तो मन तो इनका जब भी बन गया था, लेकिन ये उत्तराखंड जैसे देवभूमि के मुख्यमंत्री के पद को बदलना, मुख्यमंत्री की गरिमा को गिराना, देश की सरकार ने जो करा है बिल्कुल अच्छा नहीं करा। मुख्यमंत्री के सम्मान को जो क्षति पहुंची है और जो ठेस लगी है मुख्यमंत्री को, पूरा देश इस वक्त कह रहा है कि आखिर पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, ये लोग केवल अपना देखिए बंगाल में आपने देखा कि कोविड किस तरह से फैला, ये लोग पॉलिटिकल एजेंडा विंडकता सरकार बनाने में लगे रहे। अब उत्तर प्रदेश में आपने देखा पंचायत चुनाव के लिए ये लोग सरकार बनाने में लगे रहे, उत्तराखंड में भी यही लोग कर रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये न्याय संगत तो बिल्कुल नहीं है। हाँ पार्टी संगत और बीजेपी संगत जरूर है। अच्छा बीजेपी में चूंकि एकल स्वामित्व है, वहां पार्टी का महत्व नहीं है, वहां है केवल नरेंद्र मोदी नामक। तो जहां पर एकल व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है पार्टी छोटी हो जाती है, वहां इस तरह की घटना है आम बात है। तो बीजेपी के लिए घटना आम बात है, और जहां तक मैं समझता हूँ जनहित में ये बहुत इसका मैसेज बहुत बुरा है, और आने वाले 2022 के चुनाव की जो प्रक्रिया है, चलिए इनका अपना व्यक्तिगत मामला है कि पुष्कर सिंह धामी को बनाए थे, अब तो डिक्लेयर हो गया, उससे पहले सतपाल महाराज की चर्चा थी, हरत सिंह रावत की चर्चा थी, खडूडी साहब की उसकी भी चर्चा थी बेटी की, लेकिन ये पुष्कर सिंह धामी खटीमा से हैं कुछ नहीं बना दिया। लेकिन जो मैसेज जा रहा है प्रदेश की जनता में और देश की जनता में, और जो मैसेज जो पॉलिटिकल क्षेत्र में जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी लोगों के अपनी नीति और नियम होते हैं, और बीजेपी के लोगों तो कोई नियम है ना, सरकार बनाने में कोई नियम है ना, देश की बेरोजगारी खत्म करने में कोई नियम है, इसलिए सबको ये परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, और अभी तो और भी बदतर स्थिति उत्तराखंड में इनकी होने वाली है। ठीक चलिए अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मथुरा दत्त जोशी जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जोशी जी क्या कहेंगे जिस तरीके से उत्तराखंड में एक बड़ा फेरबदल एक बार फिर से देखने को मिला है, मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर बदल दिया गया है बीजेपी की तरफ से, कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मनोनीत मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी। और जहाँ तक आपने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने में क्या प्रतिक्रिया है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता की जननी है। 2002 में जब राज्य बना तो 2 साल में इन्होंने 2 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दिए, 2007 में फिर इनकी सरकार बनी, 2012 तक इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए, आज 2017 से लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार थी इनकी, 2 तिहाई से भी ज्यादा का बहुमत इनको मिला, 57 एमएलए इनके हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि पार्टी में कितनी बड़ी अफरा तफरी का माहौल है, बड़े और छोटे का सवाल है, और एक दूसरे की संतुष्टि और असंतुष्टि का सवाल है, पार्टी में बहुत कुछ एक नहीं चल रहा है, और ये जनता को पीसने का काम करते हैं। और जहां तक अभी एक मेरे मित्र कहे संवैधानिक कोई संकट नहीं, संवैधानिक संकट का कोई मतलब नहीं, ये तो ये था कि तीरथ सिंह एक बहाना था और ममता बनर्जी निशाना है इनकी जी, जी। और संविधान में सारी व्यवस्था, हमारा संविधान इतना लचर संविधान है कि भी आप कोई भी व्यवस्था उसमें कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी ये, और वो तीरथ सिंह को भी नहीं चाहती थी और ममता बनर्जी को भी नहीं चाहती थी, उन्होंने ठिकाने लगाया है और तीरथ सिंह के साथ एक भद्दा मजाक किया है, उत्तराखंड की जनता के साथ घिनौना मजाक किया है, उसका जवाब निश्चित रूप से 2022 में इनको मिलेगा और उत्तराखंड की महान जनता इसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी सहूलियत के अनुसार
काम करती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं तब इनके लिए कोविड नहीं है, बंगाल केरला और आपका तमिलनाडु और अन्य दो राज्यों में चुनाव होते हैं तब इनके लिए कोविड नहीं होता है। हमारे इस प्रदेश में आज से दो महीने एक महीना पहले सल्ट का उपचुनाव हुआ तब इनके लिए कोविड नहीं था। अगर ये चाहते तीरथ सिंह को चुनाव लड़ाना तो सल्ट से भी चुनाव लड़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने उस समय भी बहाना बनाया, सल्ट से मुख्यमंत्री को चुनाव नहीं लड़ाया और आज ये बहाना बना रहे चुनाव आयोग का कि कोविड काल में चुनाव आयोग तो इन्होंने अपनी कठपुतली बना के रख दिया है, जैसा चाहते हैं वैसा चुनाव आयोग नहीं, कई संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुचलने का काम कर दिया है, उनको उनका गला घोटने का काम इन्होंने किया है, ये उस काम को कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बदलने से चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता का काम करना पड़ेगा, जनता को छलना ठगना बंद करना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा। इस 5-4.5 साल के कार्यकाल में कहीं कोई जनता के लिए कोई काम नहीं किया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत बड़ा उदाहरण है, आप लोग इस बारे में पूछ भी सकते हैं। 4.5 साल में लोक सेवा आयोग जो संवैधानिक संस्था होती है जो रोजगार उपलब्ध कराने का काम करती है, सरकार जहां अध्यातन भेजती है वो नियुक्ति करने का काम करता है या परीक्षाएं आयोजित करने का काम करता है, एक भी अध्यातन वहां पर 4.5 साल में इस सरकार ने नहीं भेजा है। उत्तराखंड में महंगाई सबसे चरम पर है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड विगत 21 सालों में सबसे उच्चतम दर पर अभी बेरोजगारी यहाँ पर चल रही है। ठीक है जोशी जी, जवाब दे लेते हैं। ठीक है, संजीव वर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, आपने सुना यहाँ पर जोशी जी का क्या कुछ कहना है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया है उत्तराखंड में, उसी के लिहाज से एक बार फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री बदला गया है। वहीं अगर बात की जाए कि कुछ सवाल ये भी उठ रहे थे कि हाल फिलहाल में जो डिसीजंस यहाँ पर लिए गए, जो तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर की गई तीरथ सिंह रावत की तरफ से, वो भी एक बड़ा यहाँ पर कारण हो सकता है इस बदलाव का, क्या कहेंगे? सरकार बेहतर काम कर रही है और आगे भी बेहतर काम करेगी और जिस तरह से मथुराधन जोशी जी का बोलना है, आप कांग्रेस के हैं या विपक्ष में हैं, आपका तो काम ही आरोप लगाना है। आपको दृष्टि दोष है, विकास आपको दिखाई नहीं देता और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जनता खुश है और आने वाला जो चुनाव है उसमें आप देखिएगा हम वर्तमान से भी ज्यादा सीट लेकर उन्हें सत्तासीन होंगे, मैं इस चीज का दावा करता हूँ। बिल्कुल संजीव जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि पुराने कुछ बयानों की अगर हम बात करें तो काफी विवादित बयान यहाँ पर तीरथ सिंह रावत की तरफ से दे दिए गए थे, जिससे कहा जा रहा था कि उनकी एक जो छवि है वो धूमिल होती हुई नजर आ रही थी जनता के बीच में, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए थे जिसको लेकर वो विवादों में घिर गए थे, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कई बार क्या होता है कि हम बोलते कुछ हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और निकाला जाता है, तो बयान को और बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनकी बेदाग छवि है और किस तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए संजीव वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मथुरा दत्त जोशी जी जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता है वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। हमारे सहयोगी पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पंकज आपका भी बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी में बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है, नेतृत्व को लेकर नए मुख्यमंत्री यहाँ पर बना दिए गए हैं। बहुत ही कम कार्यकाल के लिए तीरथ सिंह रावत को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया था और एक बार फिर से जब मुख्यमंत्री यहाँ पर बदला है तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो उसी को लेकर अब एक बार फिर से राजनीति गरमाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।